जून को तकरीबन 10-11 बजे एक कुरियर वाले का मैसेज आया, ठीक है। उसने बोला कि मैं फेडेक्स कंपनी से बोल रहा हूँ, तो आपका कुरियर आपके पास आया नहीं। मैंने बोला मैंने तो कोई कुरियर दिया नहीं, मैंने बुक ही नहीं किया कुछ। तो नहीं नहीं आपके नाम से बुक है, और देखिए। मैंने बोला बुक क्या बुक है ये बताओ आप। आपका आधार कार्ड को लेके किसी कंपनी किसी ने बुक किया है, आधार नाम से लैपटॉप है एक, 5 पासपोर्ट है जो इसमें मैंने लिखा है वो है, कुछ इस तरह का है जो बुक है आपके नाम से, और वो एयरपोर्ट ने रोक रखा है। हाँ, मोबाइल एक लैपटॉप है और 5 पासपोर्ट है, इसको उन्होंने रोक रखा है। वेरीफाइंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, मैं ही हूँ, आपके केस को देखूंगा। अब मैं जो जानकारी आपसे मांगूंगा वो आप, ठीक है। तो उसने शुरू किया कि मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से हूँ और मुझे आपके मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया है कि क्राइम ब्रांच को, क्राइम ब्रांच के थ्रू मुझे मेरे जो ऑफिसर हैं सीनियर ऑफिसर, उसने बताया है कि उनको वेरीफाई करिए और ये सब चीज़ें पूछिए। मैंने पूछा क्या पूछना है आपको, तो कहा कि आप अपना बैंक डिटेल बताओ। मतलब बैंक डिटेल उन्हें क्यों चाहिए, तो मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। अगर रिजर्व बैंक पूछेगी तो उनको पता होगा कि मेरा पैसा कहाँ है और हम कहाँ कहाँ क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो उस समय बोला ना, जैसे ही विड्रॉल हुआ तो बोला अब आप फोन काट दो, मैं आपको करूँगा 8:30 बजे फोन। तो 8:30 में फोन नहीं आया, तो मुझे मेरा दिमाग ठनका क्या बात है, अभी तक फोन नहीं, मैंने फोन उस नंबर से क्या करता है, अकाउंट में बैलेंस नहीं है इसलिए कॉल नहीं हो सकता। फिर उस दूसरा जो नंबर दिया था, मेरे दिमाग में क्या है कि उन दोनों नंबर को बोला था कि काम हो गया ब्लॉक कर दो, मैंने उसको अनब्लॉक दोनों नंबर को किया, दोनों नंबर से कॉल किया। और जब ट्रू कॉलर में देखा तो एक पता नहीं कोई पूनम नाम की और एक और कुछ दिखा रहा था।